नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की कक्षा में। आज का हमारा विषय है पाठ 12 अंतरिक्ष यात्रा। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे अंतरिक्ष में गए हुए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अंतरिक्ष पर पहुंचकर वहां से उपलब्ध सूचनाओं को हम तक पहुंचाया। आइए पढ़ते हैं पाठ को। वर्तमान युगम वैज्ञानिकम युगम वर्तते, अर्थात वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहा जाता है या वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। अद्यत्वे वैज्ञानिकः अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि प्रयासरताः सन्ति, आज भी अद्यत्वे आज भी वैज्ञानिकः जो वैज्ञानिक हैं अंतरिक्ष क्षेत्रे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी प्रयासरत हैं। एतस्मिन् क्षेत्रे सर्वप्रथमं सोवियत संघ देशेन प्रयासः कृतः, सबसे पहले इस क्षेत्र में सोवियत संघ ने प्रयास किया था, यानी रूस ने प्रयास किया था। एतस्मिन् यानी इस क्षेत्र में सर्वप्रथमम सबसे पहले सोवियत संघ यानी रूस ने देश के द्वारा प्रयास किया गया था। अंतरिक्ष के प्रथम यात्री यूरी गागरिन महोदय थे। अमेरिका देश से अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग महोदय 1969 तमे वर्षे अपोलो 11 इति यानेन चंद्रतले अवातरत, अर्थात अमेरिका देश के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग महोदय यानी नील आर्मस्ट्रांग श्रीमान ने 1969 ईस्वी वर्ष में अपोलो 11 इस यान के द्वारा चंद्रतल पे यानी चंद्रमा पे अवतरित हुए। स किंचित कालम चंद्रतले स्थित्वा पुनः भूमिं प्रत्यागच्छत्, वो किंचित काल यानी कुछ काल में चंद्रतल में स्थित रह करके पुनः भूमि पे आए। सह चंद्र से पाषाण खंडानी अपि आनयत, वो चंद्र के पाषाण खंड यानी पत्थर के टुकड़ों को भी लेकर आए। न केवलम अमेरिका देश से चीन जापान फ्रांस ब्रिटेन देशानाम अंतरिक्ष वैज्ञानिकः च अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य प्रयत्नशीलाः सन्ति। न केवलम अमेरिका देश के अपितु चीन जापान फ्रांस ब्रिटेन देशानाम अर्थात देशों के अंतरिक्ष वैज्ञानिकः और अंतरिक्ष वैज्ञानिक अंतरिक्ष के अनुसंधान कार्य में प्रयत्नशील थे। भारत से कतिपय वैज्ञानिका, भारत के कुछ वैज्ञानिक राकेश शर्मा कल्पना चावला सुनीता विलियम्स अंतरिक्षम अगच्छन, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष गए, अर्थात भारत के कुछ वैज्ञानिक भी जिनमें राकेश शर्मा कल्पना चावला सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष के क्षेत्र में गए। भारत से वीर महिला कल्पना चावला तो यदा अंतरिक्षात भूमि प्रत्यागच्छत सह तदा अंतरिक्षे एव तस्या अंतरिक्ष यानम नष्टम जातम चा मृता। और आप सभी जानते हैं कि जब कल्पना चावला अंतरिक्ष के क्षेत्र में गई थी तो उनका अंतरिक्षयान वहीं पर नष्ट हो गया था और वे मर गई थी। यानी भारत से वीर कल्पना चावला तो भारत की वीर महिला कल्पना चावला तो यदा अंतरिक्षात भूमि प्रत्यक्ष गच्छत जब अंतरिक्ष से भूमि पर गई थी तब अंतरिक्ष में ही उनका अंतरिक्षयान नष्ट हो गया था और सचा मृता और वे मर गई थी। अमेरिका देश से नासा इति अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रम अस्मिन् क्षेत्रे महत्वपूर्णम कार्यम करोति, अमेरिका देश के जो नासा ये अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। भारत से इसरो इति अनुसंधान केंद्रम अंतरिक्ष अनुसंधाने निरंतर प्रयत्नशीला अस्ति, भारत का इसरो जो है वो अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान अंतरिक्ष में अनुसंधान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। ऐसे केंद्र से वैज्ञानिकः सफलतापूर्वक मानव रहितम चंद्रयानम चंद्रतले अप्रेषयन्, इस केंद्र के जो वैज्ञानिक है उन्होंने सफलतापूर्वक मानव रहित चंद्रयान चंद्रतल यानी चंद्रमा में भेजा था। 2011 तमे वर्षे भारत PSLV इति प्रक्षेपण यानेन उपग्रह अंतरिक्ष अप्रेषयत, और 2011 ईस्वी में भारत ने PSLV ये प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट उपग्रह जिसे कहते हैं वो अंतरिक्ष में भेजा था। एवं
विश्वस्य वैज्ञानिकाः अंतरिक्षस्य अनुसंधाने कार्ये अहर्निशं प्रयत्नशीला सन्ति। इस प्रकार से विश्व के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के अनुसंधान कार्य में अहर्निशं यानी रात दिन प्रयत्नशील हैं। ते मंगल बृहस्पति शुक्र इत्यादि अन्यान ग्रहान अपि जेतुम इच्छन्ति। वे मंगल बृहस्पति शुक्र इत्यादि अन्य ग्रहान को भी इत्यादि अन्य ग्रहों को भी जीतने की इच्छा रखते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। उपग्रह यानी उपग्रह सैटेलाइट, अहर्निशम दिन रात, अहर्निशम दिन रात। मंगल ग्रह यानी मंगल, जिसे हम मार्क्स भी कहते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति यानी जुपिटर। शुक्र ग्रह यानी जिसे हम विनस भी कहते हैं, शुक्र। जीतुम जीतने की। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।